हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैडिक्स में आइटम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ मास्टर्स में आइटम्स आइटम ओपनिंग स्टॉक पर क्लिक करना है। आइटम ओपनिंग स्टॉक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें आइटम टाइप में ऑल सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है शो ऑल आइटम्स, यहाँ पे इसे हमें टिक कर देना है। सभी आइटम्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ आपको जिस आइटम की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी है उसे सिलेक्ट करें और उसका क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ जिस यूनिट में स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं वो यूनिट में क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे अगर हम सारी आइटम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उसका स्टॉक मीटर्स में मेंटेन करना है। यहाँ पे हमने सारी आइटम सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे उसका मीटर्स में ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। इसी तरह से अगर हमें पॉली बाय पॉली फिनिश्ड आइटम का स्टॉक मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे अगेन पीसेस के अंदर ले सकते हैं और एंटर कर देंगे। यहाँ आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो सभी डिटेल्स ऑटो सेव हो जाएंगी, आपको कहीं भी सेव अलग से क्लिक नहीं करना है। यहाँ हम इसी तरह से और आइटम्स का भी ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद आप यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं रैडिक्स में आइटम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।